हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रीट 2018 लेवल फर्स्ट की वेटिंग लिस्ट और रिशफल की अनुमानित कट ऑफ को लेकर के आप सभी के लिए एक बार फिर हाजिर है दोस्तों। तो क्या रहेगी रीट 2018 लेवल फर्स्ट की अनुमानित कट ऑफ, कितनी तक नहीं आएगी डीओबी की समस्या, पोर्टल पर उपलब्ध लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार अनुमानित कट ऑफ कहां तक हो सकता है चयन, पूरी लेटेस्ट जानकारी यहां पर बिंदुवार आपको दी जाएगी दोस्तों। तो ले चलते हैं आपको बिना देर के सीधा अपडेट की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली विभिन्न नई नई भर्तियों से संबंधित अनुमानित कट ऑफ्स और नई नई अपडेट्स के संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी अनेक प्रतिभागियों की मांग पर यह कट ऑफ वीडियो बनाया गया है, तो ले चलते हैं आपको इस नई अपडेट की और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट भर्ती की अनुमानित कट ऑफ से। हाँ तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं बिना देर किए सीधा अनुमानित कट ऑफ से मुखातिब करवाने के लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रीट 2018 लेवल फर्स्ट की जो अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर तैयार की गई है, आपको उस अनुमानित कट ऑफ से मुखातिब करवाने से पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि अनेक प्रतिभागियों की यहाँ पर मांग थी कि सर, कट ऑफ सूचियां अनुमानित एक आपके अनुसार और विशेषज्ञों के अनुसार तैयार करवाइए और जल्द से जल्द यहाँ पर अवगत करवाइए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उसी क्रम में यहाँ पर आपको एक कट ऑफ सूचियाँ अवगत कराई जा रही हैं दोस्तों। और अनेक प्रतिभागियों का यहाँ पर मानना था कि सर, जिस प्रकार आपने पिछली बार कट ऑफ बताई थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, वो भी सटीक सिद्ध हुई हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उसी क्रम में प्रतिभागियों की मांग पर ही आज फिर से अनुमानित कट ऑफ सूचियाँ यहाँ पर तैयार की गई हैं और विषय विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर तैयार की गई हैं दोस्तों। प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर जो भी तैयार की गई है आपको बताई जाएगी दोस्तों। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न सर्वेयों के आधार पर तैयार की गई है, विभिन्न पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है दोस्तों। आपको बता दें कि आज आपको एक अन्य वीडियो में आपको पूरे कल 13 अप्रैल तक का जो भी पोर्टल पर डाटा अपलोड हुआ था और जितने भी पूरे जिस प्रकार आपको बार बार न्यूज़पेपरों में पता लग रहा है कि 6437 पर आपको वेटिंग और रिसफल देखने को मिलेगा, तो दोस्तों पूरी यहाँ पर जो भी मतलब कि वेटिंग और रिसफल के लिए जो भी पदों पर वेटिंग और रिसफल आएगा उसका सारा डाटा हमें पोर्टल से मिल चुका है। हमने उसके लिए एक और वीडियो बनाया है कि किस प्रकार कितने पदों पर वेटिंग और कितने पदों पर रिसफल आ रहा है दोस्तों, किस और टीएसपी के उसमें कितने पद होंगे और नॉन टीएसपी के उसमें कितने पद होंगे। तो इस प्रकार पूरा आपको यहाँ पर एक दूसरे वीडियो में अभी कुछ देर बाद जो अपलोड किया जाएगा उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा दोस्तों। अनेक प्रतिभागियों की उसको लेकर भी डिमांड थी कि सर, पोर्टल पर जो आंकड़ा आया है 6437 का, उसका किस प्रकार डिवाइडेशन है, उसके अनुसार आप अपनी अपडेट उपलब्ध करवाइए। तो दोस्तों, उसी संदर्भ में आपको एक अन्य वीडियो के द्वारा अपडेट उपलब्ध करवाई जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये कट ऑफ सूचियाँ तैयार की गई हैं, वैसे तो ये पूरी सभी तथ्यों आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं, लेकिन फिर भी मानवीय भूल यदि हो जाती है तो उसके लिए पूर्व में राजस्थान वैकेंसी अपडेट की टीम आपसे क्षमा प्रार्थी है। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको बिना देर किए। और दोस्तों, आपको बता दें कि यदि हमारे इस वीडियो के किसी भी पार्ट को किसी ने भी कहीं भी अपने वीडियो में कॉपी किया या फिर कुछ भी किया, तो दोस्तों इस वीडियो पर कॉपीराइट लगा हुआ है तो उसका चैनल यहां से बंद हो सकता है और दोस्तों उसके चैनल पर क्लेम हो सकता है और उसका जो भी चैनल के जो सारे वीडियो हैं वो उसके हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको और आपको दिखा देते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए कॉपीराइट राजस्थान वैकेंसी अपडेट यहाँ पर लगाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ले चलते हैं आपको दोस्तों कट ऑफ की ओर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग की अनुमानित कट ऑफ के लिए। तो जो दोस्तों आपकी सामान्य वर्ग के लिए अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है, वो आप देख सकते हैं कि लगभग 107 से 108 अंक के मध्य यहाँ पर रहने वाली है। अनेक प्रतिभागी बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि सर, क्या 107 के आसपास यहाँ पर चयन हो जाएगा, क्या 108 पे चयन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 108 नंबर पे तो सामान्य वर्ग में चयन 100% होगा, लेकिन 107 वालों को यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो अपनी जन्मतिथि को लेकर के जो डीओबी वाली समस्या है उसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अब अनुमानित जो भी डीओबी रहेगी यहाँ पर, तो दोस्तों उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जन्म वर्ष की यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 1990 से 1996 वालों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका चयन यहाँ पर आराम से होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो
अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 108 अंक वाले प्रतिभागी हैं जो 1990 से 96 के मध्य में आ रहे हैं उनका तो चयन 100% होगा दोस्तों, लेकिन 107 वालों में कुछ प्रतिभागी हैं जिनकी डीओबी को लेकर के समस्या हो सकती है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब ले चलते हैं आपको ओबीसी वर्ग की कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसी प्रकार ओबीसी वर्ग की कट ऑफ आपकी 105 से 106 रह सकती है, इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको बता दें कि इसी प्रकार यहां पर 106 नंबर वाला कोई भी हो प्रतिभागी हो उसका तो यहां पर चयन निश्चित है दोस्तों, लेकिन 105 वाला है उसी को इसी प्रकार की जो डीओबी से संबंधित समस्या है उसी प्रकार की यहां पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डीओबी की वाली, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 1992 से 1996 यहां पर डीओबी वाला जो भी प्रतिभागी है वो 106 अंक वाले तो उनका तो चयन 100% श्योर है दोस्तों, लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 105 वालों को जो समस्या का सामना करना पड़ सकता है वो उनकी जन्मतिथि को लेकर के ही होगा दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों यहां पर जो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में अंतर आएगा लगभग एक नंबर का अंतर आएगा, आप देख सकते हैं जिस प्रकार जनरल की यहां पर बताई गई 107 और 108 और ओबीसी की आपको यहां पर 105 से 106 बताई गई है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जनरल और ओबीसी में एक नंबर का अंतर है और एक नंबर के अंतर पर ही जो भी कट ऑफ सूचियां परिवर्तित होंगी तो इसी में अब पूरे चयन जो भी होने हैं वो हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब आपको ले चलते हैं अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर दोस्तों। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ओबीसी में 106 नंबर का चयन 100% श्योर है और 106 वाले श्योर रहे बिल्कुल उनका चयन होगा, और 105 वालों को थोड़ा सा डीओबी वाले की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ले चलते हैं दोस्तों आपको अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एमबीसी वर्ग की कट ऑफ की। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एमबीसी वर्ग की जो अनुमानित कट ऑफ रहने की उम्मीद यहां पर आ रही है सामने निकल करके दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 103 से 104 नंबर यहां पर अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, मतलब कि ओबीसी वर्ग से यहां पर आपके लगभग एक अंक कम, और आपके यहां पर देख सकते हैं दोस्तों जनरल से आपके लगभग 2 या 3 अंक कम हो सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और इसी प्रकार आपको बता दें कि जिस प्रकार सामान्य वर्ग और आपके ओबीसी वर्ग में बताया है कि जो यहां पर अपर लिमिट बताई गई है कट ऑफ की उसके अनुसार तो उनका चयन तो 100% होगा उस वर्ग के प्रतिभागियों का। अब इसी प्रकार एमबीसी में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एमबीसी में 104 अंक वालों का चयन तो 100% होगा चाहे वो किसी भी उम्र सीमा के हो, लेकिन बात कर लेते हैं 103 का, तो 103 वालों को थोड़ा सा यहां पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब आपको बता देते हैं जन्म वर्ष को लेकर के अपडेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1991 से 1995 यहां पर जन्मतिथि को लेकर के इन्हीं प्रतिभागियों का यहां पर चयन होने की उम्मीद है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा समस्याओं का सामना यहां पर कुछ प्रतिभागी जो 103 अंक लाने के बावजूद इस प्रकार की जन्मतिथि वाली समस्या का सामना कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर। दोस्तों यदि आपको किसी भी वर्ग की कट ऑफ की और जन्मतिथि को लेकर कोई भी शंका हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान हम हर संभव करने का प्रयास करेंगे। और किसी कारणवश दोस्तों यदि हम आपका कमेंट के माध्यम से शंका समाधान नहीं कर पाते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए अलग से वीडियो बना करके आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब ले चलते हैं दोस्तों आपको अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एससी वर्ग की कट ऑफ को, तो देख सकते हैं दोस्तों 99 से 100 यहाँ पर एससी वर्ग की कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब आपको बता दें उसी प्रकार की जो जन्मतिथि वाली समस्या है यहाँ पर 99 अंक वाले प्रतिभागियों को यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो 100 अंक वाले प्रतिभागी हैं जिनके 100 अंक हैं वो अपने चयन को बिल्कुल सुनिश्चित समझे दोस्तों, उनका चयन बिल्कुल श्योर होगा। और जो 99 अंक वाले कुछ प्रतिभागी हैं उनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जन्मतिथि को लेकर के कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं एससी वर्ग वालों के लिए जन्मतिथि की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1988 से 1994 यहाँ पर जन्मतिथि की जो सर्वे के अनुसार ज्ञात हुआ है जो विशेषज्ञों द्वारा पता लगा दोस्तों, और उन्होंने जो कट ऑफ सूचियां और जन्मतिथि वो जो भी तैयार किए हैं तो उसके अनुसार जो भी आंकड़े सामने वो ये हैं कि दोस्तों जन्म वर्ष के लिए 1988 1994 वालों को यहां पर चयन के लिए बताया गया है कि इनका चयन आराम से होगा, लेकिन कुछ 99 नंबर वाले प्रतिभागियों के यहां पर जन्मतिथि को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विभिन्न वर्गों की आपको यहां पर कट ऑफ सूचियां बताई जा रही हैं। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी शंका को जाहिर कीजिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि हमारे जुड़े हुए प्रतिभागी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको किस प्रकार की कहां पर क्या शंका हो रही है और हम जल्द से जल्द उनकी शंकाओं का समाधान कर सके। तो ले चलते हैं दोस्तों आपको अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे एसटी वर्ग की कट ऑफ। एसटी वर्ग की कट ऑफ में बात कर लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 94 से 95 रहने की उम्मीद है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसी प्रकार दोस्तों अन्य वर्गों की तरह यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 95 नंबर एसटी वर्ग में ला रहे हैं दोस्तों, उन प्रतिभागियों का चयन तो 100% श्योर है, लेकिन दोस्तों अन्य वर्गों की भांति जो लोअर लिमिट में यहाँ पर बताए गए अंक यहाँ पर 94 नंबर जैसे, तो दोस्तों जो 94 नंबर प्रतिभागी हैं उनको यहाँ पर जन्मतिथि संबंधी अन्य वर्गों के समान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार ये संपूर्ण जो कट ऑफ सूची तैयार की गई है विशेषज्ञों ने जो तैयार की है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे। जन्म वर्ष की बात कर लेते हैं एसटी वर्ग के लिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1989 से 1994 यहाँ पर जन्म वर्ष रखा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 1989 से 1994 वाली जो इस जन्मतिथि जिनकी इस वर्ष अंतराल में आती है दोस्तों, तो उनका चयन यहाँ पर श्योर होगा, लेकिन कुछ प्रतिभागी यहाँ पर 94 अंक वाले हैं, उनको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। ले चलते हैं आपको एक और वर्ग की कट ऑफ की ओर। अनेक प्रतिभागियों की मांग थी पिछली बार जब कट ऑफ सूचियां उपलब्ध करवाई गई थी दोस्तों कि यहाँ पर पीएच प्रतिभागियों की यहाँ पर क्या कट ऑफ रहेगी सर, तो आपने पीएच की तो बताई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार इस बार आपके भी यहाँ पर भावनाओं का ख्याल रखा गया है और आपके लिए भी यहाँ पर कट ऑफ की सर्वे करके और विशेषज्ञों द्वारा कट ऑफ सूचियां तैयार की गई हैं। तो ले चलते हैं आपको कट ऑफ सूची की ओर और अवगत करवाते हैं आपके विशेष वर्ग पीएच की कट ऑफ से। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पीएच वर्ग की कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है दोस्तों 101 से 102 अंक रह सकती है, और 102 अंक वालों जो भी पीएच भाई हैं उनका बहन जो भी हैं उनका चयन यहाँ पर सुनिश्चित है दोस्तों, लेकिन 101 वालों को अपनी जन्मतिथि को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हालांकि जन्म वर्ष को लेकर के उनकी अभी कोई विशेषज्ञों द्वारा कोई स्पष्ट आंकड़ों के यहाँ पर जब सर्वे किया गया और ज्ञात हुआ तो दोस्तों कुछ स्थिति साफ नहीं हो पाई। तो इस संदर्भ में विशेषज्ञों ने आप सभी को झूठ बताने से अच्छा बिल्कुल ही नहीं बताना उचित समझा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि हम जो भी पीएच प्रतिभागी हैं जो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देख रहे थे कि उन्हें यहाँ पर अपडेट बिल्कुल सत्य बताई जाती है, तो वो विश्वास करते हैं चैनल के ऊपर राजस्थान वैकेंसी अपडेट के ऊपर और वो इससे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों इस संदर्भ में जिस प्रकार प्रतिभागियों ने मांग थी कि सर उपलब्ध करवाइए आंकड़े, और वो इतने जोर शोर से पुरजोर रूप से यहाँ पर मांग कर रहे थे, तो उस संदर्भ में विशेषज्ञों ने इस जो आपकी मांग का ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ सूची और ये तैयार करके बताई दोस्तों। तो उस संदर्भ में पीएच वालों के लिए जन्मवर्ष का यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं किया गया है आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विशेषज्ञों का मानना था कि सर्वे के जब किया गया और जब उन्होंने ज्ञात किया कि पीएच के लिए क्या जन्मवर्ष और क्या कितना रह सकता है, तो इस संदर्भ में दोस्तों कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए उन्होंने झूठ बोलने से ज्यादा आपको किसी भी वर्ष को बताना उचित नहीं समझा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहां पर पीएच वालों के लिए जो जन्मवर्ष का कॉलम है वो डॉट 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 खाली छोड़ा गया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे पीएच वर्ग के लिए जो कट ऑफ की यहां पर बात की गई है 102 अंक यहां पर कट ऑफ रहेगी और 101 से नीचे बिल्कुल जाने की उम्मीद यहां पर जाहिर नहीं की गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं तो मतलब 102 अंक वाले जो भी पीएच प्रतिभागी हैं उनका चयन सुनिश्चित है, लेकिन 101 अंक वाले जो प्रतिभागी हैं उनका भी यहां पर कुछ का चयन होगा, लेकिन दोस्तों कुछ को यहां पर उम्र संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब उम्र संबंधी जो भी बाधा होगी दोस्तों उसको लेकर के अभी कोई स्थिति साफ यहां पर विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको बता दें कि आपको संपूर्ण कट ऑफ सूचियां यहां पर बताई गई हैं विभिन्न वर्गों की। अब आप तो दोस्तों आपको एक बार फिर से यहाँ पर समस्त वर्गों की कट ऑफ सूचियों की ओर ले चलते हैं और अवगत कराते हैं। पीएच की आप देख सकते हैं 101 से 102। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर एसटी वर्ग के लिए देख पा रहे होंगे एसटी वर्ग के लिए 94-95 और जन्म वर्ष आप देख सकते हैं 1989 से 1994, मतलब कि जो 94 अंक वाले कुछ प्रतिभागी हैं उनका यहाँ पर चयन में थोड़ी सी जन्म संबंधी बाधा आ सकती है। ले चलते हैं आपको अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर। तो एससी वर्ग की कट ऑफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों 99 से 100 अंक यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, 100 अंक वालों का चयन बिल्कुल सुनिश्चित है और जो 99 अंक वाले हैं उनका भी होगा, लेकिन कुछ 99 अंक वालों को प्रतिभागियों को यहाँ पर जन्म संबंधी उम्र संबंधी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। ले चलते हैं आपको अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर। एमबीसी वर्ग की कट ऑफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 103 से 104 यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है, 104 अंक वालों का चयन सुनिश्चित है, 103 वालों का भी हालांकि होगा, लेकिन कुछ को उसी प्रकार की उम्र संबंधी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। ले चलते हैं आपको अगले वर्ग की कट ऑफ की ओर। ओबीसी वर्ग की कट ऑफ आप देख सकते हैं 105 से 106 अंक यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है दोस्तों, 106 अंक वालों का चयन सुनिश्चित है, लेकिन 105 अंक वालों का यहाँ पर कुछ का चयन होगा, लेकिन कुछ को उम्र संबंधी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। ले चलते हैं आपको अन्य सामान्य वर्ग की कट ऑफ की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर 107 से 108 यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, 108 अंक वाले का चयन सुनिश्चित है, लेकिन
107 वाले को यहाँ पर उनका भी चयन होगा, लेकिन कुछ को उम्र संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार आपको हमारे विषय विशेषज्ञों के आधार पर और विभिन्न सर्वे करके और दोस्तों विभिन्न आंकड़ों को पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ सूची उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों यदि आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है घंटा का निशान इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई नई भर्तियों से संबंधित अपडेट्स और उनकी कट ऑफ सूचियां और आप जैसे प्रतिभागियों की मांग पर नई नई अपडेट्स के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। और दोस्तों जिस प्रकार हम आपके लिए हर संभव प्रयास करते हुए आपकी समस्त शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और आपको वैधानिक सूचनाओं से अवगत करवाते हुए आपको समय पर और सबसे पहले समस्त यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आपको सूचनाओं का प्रेषण कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इतना सा कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और अपडेट और कट ऑफ सूची आपको पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों तक अपडेट पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी अपडेट से मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सके। जिस प्रकार अनेक प्रतिभागी यहाँ पर अनुमानित कट ऑफ सूचियों का इंतजार कर रहे थे, 13 अप्रैल के ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर जो कट ऑफ सूचियां सामने आए और अनेक प्रतिभागियों की डिमांड थी कि कट ऑफ सूचियां पता लगें, तो दोस्तों इस संदर्भ में ये अपडेट सामने आई थी तो आप सभी को यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका ये छोटा सा प्रयास चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन प्रेस करने का और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करने का हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा और हमें हमारे वीडियोज में नवाचार लाने के लिए प्रेरित करेगा। जिस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं हम आपके लिए हर संभव भरसक प्रयास और मेहनत करते हुए हमारे वीडियोज में नवाचार लाते हुए विभिन्न प्रकार से आपको यहां पर नवाचार देखने को मिल रहे हैं और हम आपके लिए वैधानिक सूचनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमें इतना सा कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपका ये छोटा सा प्रयास हमें नवीन प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।